Hello dear parents and students, welcome back to Hello Adhyapak. Today we are going to talk about chapter 7 of EVS. Now this chapter is water a precious gift. तो class 3 का ये chapter 7 है, नाम है water a precious gift. इसकी आज मैं आपके लिए एक worksheet लेकर आया हूँ, तो ये worksheet help करेगी आपको समझने में कि आपने ये chapter कितने अच्छे तरीके से समझ लिया है. तो आइए start करते हैं EVS worksheet वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट में. इसमें ये पहला जो है आपका सीन, दिस बिलोंग्स टू योर फर्स्ट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. तो हम वर्कशीट की तरफ बढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके चार ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. फर्स्ट है, वेयर डज रेन वाटर गो आफ्टर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. रेन वाटर जमीन पर गिरने के बाद उसके साथ क्या होता है? इट डिसअपीयर्स, वो गायब हो जाता है. इट फ्लोज अवे, सोक्स इनटू सॉइल और कलेक्ट्स इन पडल्स. वो या तो बह जाता है या मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर गड्ढों में भर जाता है. सी ऑप्शन इज इट बिकम्स आइस, वो आइस में बदल जाता है. या डी है इट गोज बैक टू स्काई, वो वापस स्काई में चला जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज इट फ्लोज अवे, सोक्स इनटू सॉइल एंड कलेक्ट्स इन पडल्स. सेकेंड, विच ऑफ दीज इज यूज टू ब्रिंग वाटर टू होम्स थ्रू टैप्स. इनमें से क्या है जो नलों का जो पानी हम घरों में भरते हैं, जो हमारे घर में नल का पानी आता है, नलों तक वो पानी किसके थ्रू आता है? रिवर्स के थ्रू, पाइप्स के थ्रू, बकेट्स के थ्रू या पॉट्स के थ्रू. तो वो पाइप्स के थ्रू जो है टैप्स तक आता है. थर्ड, हाउ डू सूर्या एंड बरखा गेट वाटर एट स्कूल. जो सूर्या और बरखा चैप्टर में पढ़े थे, वो जो है उनके स्कूल में पानी कहाँ से आता था? फ्रॉम अ वेल, from tank on the roof, from taps connected to pipes या from a river nearby. तो वो कहाँ से आता था? वो टैप से आता था जो कि पाइप से कनेक्टेड होता था. Fourth, which of these is not a vessel for storing water. इनमें से क्या है जो पानी स्टोर करने के काम नहीं आता? क्ले पॉट, मिट्टी का मटका, स्टील पॉट, स्टील का मटका, वुडन स्पून, चम्मच, लकड़ी की चम्मच या प्लास्टिक की बकेट. तो इसमें जो है वुडन स्पून जो है वो वाटर स्टोर करने के काम नहीं आएगी. फिफ्थ, वाई शुड वी रिड्यूस एंड री यूज वाटर. रिड्यूस का मतलब होता है अपने पानी का इस्तेमाल जो है कम करना, जितना ज़रूरत है उतना ही करना, वेस्ट नहीं करना है. और री यूज का मतलब है जो पानी एक बार यूज हो चुका है उसको दोबारा यूज करना किसी दूसरे काम के लिए. जैसे हाथ धोए हुए जो पानी है उसको हम प्लांट्स को दे सकते हैं. तो ये रिड्यूस और री यूज क्यों करना है हमें पानी का? टू सेव सोप, सोप बचाने के लिए. टू कंजर्व वाटर एज इट इज प्रीशियस, पानी को बचाने के लिए क्योंकि वो काफी कीमती है. टू इंक्रीज वाटर बिल, वाटर का बिल बढ़ाने के लिए. या टू मेक वाटर डर्टी, पानी को गंदा करने के लिए. तो रिड्यूस और रीयूज करते हैं हम पानी को बचाने के लिए. टू कंजर्व वाटर एज इट इज प्रीशियस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद अब हमारे सामने आए हैं ट्रू और फॉल्स. देखते हैं आपको कितने ट्रू और फॉल्स आते हैं. पहला है, वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड कैन कम फ्रॉम रेन वाटर. जो पानी अंडरग्राउंड यानी ग्राउंड के नीचे जमा होता है वो रेन वाटर से आता है. तो यस, इट इज ट्रू, क्योंकि जो पानी रेन से आता है वो पानी रॉक्स और सॉइल के बीच में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर बनता है. People in some places still need to carry water from rivers or wells. ऐसी भी आज भी कई जगह है जहाँ पर लोगों को पानी के लिए रिवर और वेल पर निर्भर रहना पड़ता है, उनके घरों में आज तक नल नहीं पहुँचा है. So this is also true. After using water, it is always clean enough for drinking. पानी को हम एक बार यूज कर लें, उसके बाद उस पानी को पिया जा सकता है? No, it is false, क्योंकि वो पानी फिर गंदा हो जाता है. रेन वाटर कैन फिल अप पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. तो जो बारिश का पानी है वो पॉन्ड, लेक और रिवर्स को भर देता है. तो इट इज ट्रू. वी शुड ऐड अ लॉट ऑफ केमिकल्स टू वाटर टू कीप इट क्लीन. हमें पानी को साफ रखने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिला देने चाहिए. तो दिस इज फॉल्स, क्योंकि केमिकल्स क्या करते हैं? पानी को खराब करते हैं. ट्रू फॉल्स के बाद देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है. अब है हमारे पास fill in the blanks. Rain water can flow away, soak into the dash और collect in puddles. तो वो किस में soak हो जाता है? वो हो जाता है soil में. तो आप यहाँ पर लिखेंगे soil. Surya and Barkha learn that water in their taps come from a dash on the रूफ। सूर्य और बरखा ने ये पता लगाया था कि उनके जो पानी नलों में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। रूफ पे क्या था, रूफ पर था एक टैंक, उस टैंक में से पानी जो है वो उनके पास आ रहा था। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल स्टोर्ड वाटर इन कंटेनर्स लाइक क्ले डैश। पुराने टाइम में लोग जो पानी स्टोर करके रखते थे वो किस में रखते थे, क्ले पॉट्स में। तो यहाँ पर आ जाएगा क्ले पॉट्स। फोर्थ है आफ्टर यूजिंग वाटर वी कैन डैश इट फॉर वाटरिंग प्लांट्स। एक बार पानी को यूज करने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, वाटर कर सकते हैं प्लांट्स को। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रीयूज। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उर्दू लिखी है बट एक्चुअली ये इंग्लिश ही है, रीयूज। अभी मैं आपको साफ लिख कर दिखाऊंगा। ये वाटर इज अ प्रीशियस गिफ्ट दैट कम्स डाउन एज डैश फ्रॉम द स्काई। तो पानी एक बहुत ही कीमती गिफ्ट है हमारे लिए जो कि स्काई से आता है, किस फॉर्म में, एज रेन। ये बारिश की तरह हमारे धरती पर आता है। अब मैं आपको इसके आंसर्स बताता हूँ, ये रहे इसके आंसर्स। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आएगा सॉइल, यहाँ आएगा टैंक, यहाँ आएगा पॉट्स, रीयूज और रेन। अब फिल इन द ब्लैंक्स हमने कर ली है, देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आगे हमें क्या मिल रहा है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर 1 वर्ड 2 वर्ड या एक सेंटेंस में देने होते हैं। What happens to water after it soaks into the soil? उस पानी के साथ क्या होता है जब वो पानी मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है तो क्या होता है उसके साथ। तो जब पानी इसमें सॉइल में चला जाता है तो वो अंडरग्राउंड पानी बन जाता है जो या तो किसी स्ट्रीम में या किसी पॉन्ड में बदल जाता है या ग्राउंड वाटर की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, नेम टू वेसल्स यूज टू स्टोर वाटर इन द पास्ट। पास्ट में यानी कि पहले के टाइम में पानी को स्टोर करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती थी उनमें से कोई दो आपको बतानी है। तो क्या आपको याद है, वो है क्ले पॉट्स और ब्रास के पॉट्स। ये वैसे मैंने यहाँ आपको पिक्चर में 4 ऑप्शन दिए, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें जो है इस्तेमाल होती थी पानी को स्टोर करने के लिए। उसी के बाद थर्ड क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर में, वाई शुड वी नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो अगर हम पानी को वेस्ट करेंगे तो हमारी लाइफ डेंजर में आ जाएगी क्योंकि ये एक प्रीशियस रिसोर्स है जो कि जिंदगी जीने के लिए चाहिए। तो आप लिखोगे वी शुड नॉट वेस्ट वाटर बिकॉज इट इज प्रीशियस रिसोर्स नीडेड फॉर लाइफ। वेरी शॉर्ट आंसर में फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रीयूज वाटर आफ्टर वॉशिंग हैंड्स। अगर हमने हाथ धो लिए हैं तो उस पानी का रीयूज हम कैसे कर सकते हैं बताओ। हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट्स को वाटर करने के लिए या टॉयलेट्स को फ्लश करने के लिए। वेयर डज वाटर इन वेल्स यूजली कम फ्रॉम। कुओं में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, हम सबको पता है वो कहाँ से आता है। वो पानी उस जगह से आता है जो अंडरग्राउंड पानी होता है जो कि सॉइल और रॉक्स के बीच में होता है जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो द वाटर इन द वेल्स यूजली कम फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन सॉइल्स एंड रॉक्स। तो यहाँ पर हमारे 5 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी खत्म हो गए। आगे देखते हैं क्या है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वाई इज रेन वाटर कंसिडर्ड अ प्रीशियस गिफ्ट। जो बारिश है इसको कीमती गिफ्ट क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे रिवर्स को, लेक्स को, ग्राउंड वाटर को भरता है और इसकी वजह से हमें ड्रिंकिंग और क्लीनिंग और फार्मिंग इन सब एक्टिविटीज के लिए पानी मिलता है। तो आप इसको बोलोगे रेन वाटर इज कंसिडर्ड अ प्रीशियस गिफ्ट बिकॉज it fills river, lakes and underground water, providing us with the water we need for drinking, cleaning and farming. आगे क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 2, describe 2 ways people get water in their areas where there are no taps or pipes. 2 तरीके हमें बताने हैं जिससे लोग जो है अपने उस एरिया में पानी भर लेते हैं जहां पर अभी तक टैप्स या पाइप्स नहीं पहुंचे हैं। तो अगर पाइप्स और टैप्स नहीं पहुंचे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रिवर से और वेल से अपने पानी की जो कमी है उसको पूरा करते हैं। और कभी कभी जो है वहाँ पर टैंकर्स भी, स्पेशली आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर जो MCD है वहाँ की वो टैंकर्स भेजती है हर इलाके में उनके मोहल्लों में जिसकी वजह से लोग पानी भरकर रख सकते हैं। और राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं उनमें भी ऐसी ही प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन के बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप वाटर सोर्सेज क्लीन। ये जो वाटर सोर्स क्या होते हैं, वाटर सोर्स हो गए जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, है ना, वेल हो गया, ये सब वाटर के सोर्स हैं। इनको साफ रखना क्यों जरूरी है? अगर हम इनको साफ नहीं रखेंगे और पॉल्यूटेड वाटर अगर हम पिएंगे तो उससे हमारी हेल्थ खराब हो सकती है और ये अनसेफ है, ना तो हम उसको पानी को पी सकते हैं। इसके अलावा वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप वाटर सोर्सेज क्लीन बिकॉज polluted water can harm health, making it unsafe for drinking and damaging environment for plants and animals। तो इसके बाद है थैंक यू, और ये है बर्ड बाथ। चैप्टर में आपको बताया होगा जरूर कि ये बर्ड बाथ क्या होता है। एक ऐसी चीज जो गर्मियों में हमें भी रखनी चाहिए अपने घर के पास, ताकि गर्मियों में बर्ड्स को पीने के लिए पानी मिल सके, गर्मी से बचने के लिए पानी मिल सके। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आई होप आपको वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस आए होंगे समझ में। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना जरूर माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।